हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक और शेयर लेके आया हूं जिसका नाम है BDH इंडस्ट्री। ओके, ये BDH इंडस्ट्री के बारे में शायद ही आपने कभी यहां पर सुना होगा। ओके, मुझे यहां पर ये शेयर अभी नज़रों में आया कुछ दिन पहले, तो यहां पर मैं इसे रिसर्च कर रहा था तो मुझे यहां पर नज़र आया कि ये शेयर एक बेहतरीन शेयर है और मुझे आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से आपके जो रिटर्न है वो शायद 50 से 100% बनते हुए नजर आएंगे। क्यों बनते हुए नजर आएंगे, उसका जवाब मैं यहाँ पर टेक्निकल में एज वेल एज फंडामेंटल में देता हुआ नजर आऊंगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 93 करोड़ रुपीज़ की कंपनी, माइक्रो कैप यहाँ पर कंपनी। तो जब भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ या तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या मिड कैप पे बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे बनेंगे तो यहीं पर ही बनते हुए नजर आएंगे। एज वेल एज में ये एक पेनी स्टॉक्स है। अब काफ़ी लोग यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि यहाँ पर 163 रुपए वाले स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स क्यों कह रहे हो। तो देखिए, कभी भी स्टॉक्स का प्राइस कितना है उससे पेनी स्टॉक डिसाइड नहीं होता, स्टॉक्स की जो मार्केट कैप है उससे डिसाइड होता है। तो मार्केट कैप 93 करोड़ रुपीज़ का है तो ये पेनी स्टॉक्स है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में काम करती हुई दिखाई देती है, फार्मासी रिलेटेड यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है। कंपनी की बात करें तो ये डायबिटीज एज वेल एज कैंसर्स और सेप्टिक्स और ये प्रोजोनटल, इससे रिलेटेड जितने भी ये एंटी डायबिटीज या बात करें एंटीडोट्स बनाते हुए ये कंपनी दिखाई देती है और लगभग 200 प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में है। क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के क्लाइंट जो आप देख सकते हैं इप्का लैब, ओके, विच इज अकाउंट, मतलब इप्का लैब से 44% का यहाँ पर इनका रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। तो इप्का लैब के लिए ज़्यादा यहाँ पर ये काम करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा और भी जो 56% की जो रेवेन्यू आती है वो और दूसरे लोगों से आती हुई दिखाई देती है। कंपनी ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक्सपोर्ट से अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर डोमेस्टिक भी ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। तो एक्सपोर्ट भी एक आध कंट्री में नहीं, मोर देन 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए इस शेयर की तरफ नज़रें बना के रखी है। जैसे कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, फार्मा के स्टॉक्स भागने वाले हैं, तो यहाँ पर ये स्टॉक्स शायद अगला, जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक शेयर का नाम बताया था, कौन से शेयर का नाम बताया था, मैंने आपको एक सनलॉक बताया था, सनलॉक में क्या रैली हुई थी, 30 रुपये वाला स्टॉक्स किस तरीके से यहाँ पर एक 171 तक गया था, लगभग 350-400% के रिटर्न बने थे। आज मैं आपके लिए BDH लेके आया हूँ, ओके, और यहाँ पर भी उसी तरीके का कुछ मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, टेक्निकल से रिलेटेड लास्ट में बातें करेंगे। तो देखिए, BDH इंडस्ट्रीज विजिट आर न्यू वेबसाइट, तो यहाँ पर चाहे तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर पता चल जाए कि कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, इनका पोर्टफोलियो से रिलेटेड पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर के बिजनेस में यहाँ पर ये कंपनी उतरी हुई है। प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स देख लीजिए, फिर भी हमने एक बार बात कर चुके हैं प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कि कंपनी यहाँ पर क्या बनाती हुई दिखाई देती है। ये देख लीजिए, एंटी बैक्टीरिया, एंटी एसिड्स एज वेल एज बात करें, ये सारी की सारी ये दवाइयाँ बनाती हुई दिखाई देती हैं। मुझे ज़्यादा यहाँ पर इसकी नॉलेज नहीं है, फिर स्टिल कोई फार्मा का होगा तो उन्हें, मुझे यहाँ पर नंबर समझ में आते हैं, मुझे चार्ट समझ में आता है, मुझे फाइनेंशियल समझ में आते हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड हमेशा बात करता हुआ दिखाई देता हूँ। और लॉन्ग टर्म का कोई विज़न नहीं है मेरा कि हाँ मैं शेयर को अभी ले लिया और मैं यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला सर की तरह हमेशा रखूँगा, ऐसा मेरा कोई विज़न नहीं है और ऐसे स्टॉक्स मैं बताता भी नहीं हूँ। यहाँ पर सिंपल जो मुझे नंबर्स में नज़र आता है और जो मुझे चार्ट में नज़र आता है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और वही चीज़ें मैं खरीदता हूँ। क्यों? क्योंकि वही चीज़ें हमें पैसा देगी, हमारे पैसे बने, हम चुपचाप निकले और दूसरी जगह हम यहाँ पर घूमने लग गए, तो ये हमारा सिंपल सा विज़न है। तो स्मॉल कैप, जैसे कि बता रहा हूँ, माइक्रो कैप कंपनी है, तो पैसा अगर बनाना है अच्छा खासा तो यहीं बनेगा। अगर कोई सोच रहा है इन्फोसिस, TCS और विप्रो, SCL टेक या फिर HDFC बैंक, ICICI बैंक में बनेगा तो फिर आप घूमते रहिए। PE रेशियो की बात करें, 11 का PE है, ओके, इंडस्ट्री की PE की बात करें 26 का, तो सस्ता नज़र आता है, बट PE के पीछे कभी मत भागना क्योंकि 11 का PE यहाँ पर अगर आप देखोगे 500 रुपये का स्टॉक्स हुआ तो तब भी 11 का PE हो सकता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कंपनी के ग्रोथ, कंपनी की सेल्स किस तरीके से होती है। ROC ROE ठीक ठाक नज़र आता है और डेट फ्री शेयर है सबसे पॉजिटिव बात। तो देखिए, डेट फ्री शेयर आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, वो भी माइक्रो कैप कंपनी, 211 करोड़ रुपये का क्या है यहाँ पर, 211 करोड़ रुपये की हाई लगाया है इसने और उसके बाद 211 रुपये का और 163 पे अभी ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है, ओके, अच्छे खासे आपने आपको प्रूफ कर चुकी है ऊपर की तरफ। यहाँ पर इसका चार्ट पैटर्न नज़र आता है। सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स यहाँ पर देखिए लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इस बार की भी सेल्स 22 करोड़ रुपये के आसपास की है
और यहाँ पर बात करें मार्जिन की, तो कंपनी का मार्जिन 17% के आसपास आ रहा है जो कि क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है। प्रॉफिट ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पिछले कितने पिछले यहाँ पर बात करें 12 क्वार्टर का, एज वेल एज नेट प्रॉफिट की बात करें 2.91 पिछले 12 क्वार्टर का। यहाँ पर बात करें ईपीएस कंपनी का 5 का है जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर, जब सब चीज हमें हाईएस्ट एवर दिखाई दे रही है और इसी तरीके का चार्ट रिजल्ट कभी सनलॉक के हुआ करते हैं, तो मैंने सनलॉक बताया था और जहाँ हमने सनलॉक की बातें करी थी तो मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके से सनलॉक में हमें थोड़े से टाइम में सनलॉक में जैसे ही हमने बताया बात करी थी 30 रुपये से 170 रुपये तक की रैली होती हुई दिखाई दी, 350-400% के रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए। किस वजह से बनते हुए दिखाई दिए? ऑन द बेसिस ऑफ द सेम स्टडी विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कंपनी यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे बैठी हुई है, कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो मैं इस पर्टिकुलर शेयर में इस वजह से भी एक बुलिश हूँ। कंपनी की बात करें डेट फ्री शेयर है, 52 लाख रुपए के आसपास की बोराइंग है, 45 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ओके 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें 16-17 लाख रुपए के करोड़ के आसपास के कंपनी के पास कैश पड़े हुए हैं। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है। एज वेल एज यहाँ पर बात करें कंपनी से रिलेटेड तो यहाँ पर देखिए कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है 49.66% की एज इट इज़ बनी हुई है। यहाँ पर प्रमोटर शेयर नहीं बेच रहे, बल्कि बहुत सारी कंपनी में से प्रमोटर तो चुपचाप निकल चुके हैं। DIIs FIIs आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनी में पैसा FIIs और DIIs नहीं लगाते, तो यहाँ पर उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। पब्लिक की बात करें 50% के शेयर है, और 50 में भी देखें इन्वेस्टर एजुकेशन फंड ने 7% के शेयर इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में खरीदे हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से DIIs यहाँ पर आ चुके हैं। ओके 7, 8, 9 ओके यहाँ पर आप देखें तो लगभग कितने 40% के आसपास के शेयर ही पब्लिक के पास है, उसमें भी बड़े बड़े लोगों के पास ही होंगे, हम जैसे लोगों के पास कम ही होंगे। तो यहाँ पर जो ये शेयर है BDH इंडस्ट्रीज, नाम याद रख लीजिए, BDH इंडस्ट्री बेहतरीन नजर आता है। अब चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इतने बेहतरीन शेयर इतने बेहतरीन रिटर्न आपको फ्री में यहाँ पर बनवा के दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर करें, और एज वेल एज दूसरों को शेयर करें, सपोर्ट करें जितना हो सके। और आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है 8865405018169261037, इन दोनों नंबर को व्हाट्सअप कर दीजिए, अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, ओके बता दीजिए, तो आपको एक तो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। एज वेल एज याद रखिए ये जो कोर्स है, अगर आपने इस कोर्स को कर लिया, इस कोर्स की वजह से ही यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स बता पा रहा हूँ, इस कोर्स की वजह से ही यहाँ पर जो भी स्टॉक्स बताए जा रहे हैं अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कोर्स आपको मार्केट में जाएंगे तो 1 से 1.5 लाख में होगा, फिर भी वो नॉलेज नहीं दे पाएंगे लोग, बट मैं आपको यहाँ पर सबसे अच्छी नॉलेज और वो भी कम प्राइस में देता हुआ नजर आ रहा हूँ, तो आई थिंक यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट इट। और अगर आप यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग, कुछ भी इशू हुआ पूछिए, बार बार पूछिए, जब तक यहाँ पर ये चीज़ें समझ में ना आ जाए, आपके मस्तिष्क में ना बैठ जाए, तब तक आप मुझसे पूछते रहिए, मैं थकूंगा नहीं, आपको जवाब देते रहते। तो ये कोर्स कर लीजिए, सबसे बेहतरीन कोर्स है, इसके बाद किसी दुनिया का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एज वेल एज जो भी हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको यहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा, वो भी फ्लैट 50% के ऑफ के साथ। और दूसरे लोग जो हमें ऐड कर व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए उस लिंक को या ज्वाइन कर लीजिए, ओके 1000 रुपीज़ फीस है, पर मंथ के हिसाब से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने एक पूरा कंसोलिडेशन फेज में क्या निकाला, एक पूरा साल निकालता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर अच्छा खासा भागा 180 के आसपास, या फिर यहाँ बात करें 210 का एक हाई लगाया इसने। तो यहाँ पर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में इसने क्या निकाल दिया, पूरा 1 से 1.5 साल यहाँ पर निकालते हुए नजर आया, बट अब वो 1 से 1.5 साल वाला जो टाइम है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये शेयर जो ये लाइन मैंने खींच रखी है, एक ट्रेंड लाइन है, किस तरीके से खींचते हैं इस कोर्स में सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड है, सब बताया जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से इससे निकलेगा तो यहाँ पर एक शेयर भागता हुआ नजर आएगा, और जो रिटर्न है ये सीधा राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आएगा, और राउंडिंग बॉटम के जो टारगेट है वो आपके सामने यहाँ पर फिर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला टारगेट तो आपका यही है, ओके एक मिनट दीजिए, गलत हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो सबसे पहले टारगेट है वो यहाँ पर है लगभग 30% के,
बट ऐसी चीजें रुकती नहीं है, यहाँ पर मैंने सनलॉक में भी दिखाया था चीजें रुकी नहीं थी, उसके बाद बैक टू बैक हाई लगाती हुई नजर आई और अच्छे खासे रिटर्न देती हुई नजर आई। तो यहाँ पर आने वाले में मैं कम से कम 300 का टारगेट यहाँ पर रख रहा हूँ कि 300 का टारगेट मिलेगा तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, यहाँ से ब्रेकआउट होते ही साथ चीज़ें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, अगर नीचे भी आ जाती है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेरे पास शेयर है बिल्कुल भी नहीं है, बट क्या मैं खरीदूंगा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। अभी मेरे पैसे दूसरी जगह ट्रैप हुए पड़े हैं, ट्रैप इन द सेंस इन्वेस्ट हुए पड़े हैं। जैसे ही वहाँ से मैं निकलूंगा तो यहाँ मैं इस शेयर की तरफ यहाँ देखूंगा, बट मुझे जैसे ही दिखाई देगा तो मैं इसमें जरूर जंप करूंगा। क्यों? क्योंकि इतने बेहतरीन फंडामेंटल्स वाला डेट फ्री शेयर मुझे कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर पैसे मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करो। और आप अगर ले भी रहे शेयर तो स्टॉप लॉस को मत भूलिएगा, 149 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, बाकी अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करिए। ओके, सबसे पहले इस टारगेट के लिए, फिर इस टारगेट के लिए, बाकी ऊपर 300 का टारगेट बता दिया है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।